संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की शिकार पीड़िता की दर्दनाक मौत पर दुष्कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर दूसरे दिन भी सैकड़ों लड़कियां व महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं। लोक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने इस घटना के आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग को लेकर रैली निकाली है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग की गई। दिल दहला देने वाली घटना से क्षुब्ध महिलाओं ने दुष्कर्मियों को फांसी दो, महिला हिंसा बंद करो, छेड़खानी पर रोक लगाओ, चुप नहीं रहना है, हिंसा नहीं सहना है, भ्रष्ट सरकार होश में आओ, महिलाओं को सुरक्षा दो, ऐसे कई जोरदार नारे लगाए। लोगों ने बलात्कारियों को अविलंब सजा देने, पीड़िता के परिवार वालों को मुआवजा व सरकारी नौकरी और महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। अंत में महिलाओं ने हाथरस की पीड़ित बेटी को श्रद्धांजलि दी और महिला हिंसा को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री के संसदीय